हेलो भाई, SRK ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ तौफीक। तो देखिए दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में उत्तल लेंस से प्रतिबिंबों का बनना पढ़ा था, जिनमें हमने पांच स्थितियां पढ़ ली थी। बेसिकली आज हम उसकी जो लास्ट वाली स्थिति है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो मैंने पांच स्थितियां आपको बताई थी, मैं कल भी एक बार आपको बता चुका हूँ कि ये टोटल छह स्थितियां हैं। जो अभी छठी स्थिति है, ये अपवाद के रूप में है। ऐसे हमने दर्पण से देखा था, एक अवतल दर्पण से जब हम लोगों ने प्रतिबिंब का बनना पढ़ा था, तो हमने देखा था कि उसमें जो लास्ट वाली स्थिति थी वो अपवाद के रूप में थी। तो अब ये जो हमने कल जो है पांच स्थितियां, पिछली वीडियो में जो हमने पांच स्थितियां पढ़ी हैं, उनमें हमने पांच स्थितियों को अच्छी तरह समझा था। अब इसकी छठी स्थिति है जो कि अपवाद के रूप में। तुम कहोगे साहब, ये अपवाद के रूप में क्यों है? देखिए, हमने देखा था कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंबों का बनना कैसा था। उससे बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक थे, उल्टे थे। अब छोटा बड़ा या उसके वस्तु के बराबर जो था वो वस्तु की स्थिति पर था। परंतु ये बात लाजमी थी कि उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे होते थे। परंतु ये जो इसकी छठी स्थिति है, देखते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है जब वस्तु, इसकी लास्ट और छठी स्थिति है, कह रहा है जब वस्तु अनंत, अनंत की जगह वहां छठी स्थिति को देखिए, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र, O तथा F के बीच रखी है। F का मतलब फोकस के बीच रखी है स्थिति। तो अब देखिए, प्रकाशिक केंद्र कहाँ होता है, फोकस कहाँ होता है, इन दोनों के बीच वस्तुओं को रखना। तो अब इन जब हम दोनों के बीच इन वस्तुओं को हम रखते हैं, तो हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो बताओ मुझे क्या करना है। सबसे पहले किसे पढ़ रहे हैं हम लोग? उत्तल लेंस। तो जब उत्तल लेंस से पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो उत्तल लेंस का चित्र बनाना है। जिससे पढ़ते हैं सबसे पहले उसका चित्र बनाना। हम देखो जैसे, ठीक है सर, क्या करते थे मुख्य क्या थे अपना? ठीक है, अब देखिए इसको मैं और बड़ा कर लेता हूं, क्योंकि मैंने माप के, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, दर्पण में भी मैंने बताया है, लेंस में भी बता चुका हूं कि मैंने माप के नहीं बनाया इसको, आपको माप के बनाना है यहां से। क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां दर्पण में तो ध्रुव से और लेंस में प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। तो यहां से जैसे इसको मैं एफ को चिन्हित करूं, टू एफ को चिन्हित करूं, इसी प्रकार यहां एफ को चिन्हित करूं, तो ये क्या था? मैंने इसको F1, F2, कुछ इस तरह से लिखा था, तुम्हें पता था। चाहे तो इसको आप ऊपर की तरफ भी लिख सकते हो, जैसे कल की वीडियोज में मैंने लिखा था। इनको मत निकालना, और इनको अगर ना भी लिखो कोई गल नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस वाले में। ठीक है, तो अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र, ये प्रकाशिक केंद्र था, इसको मैंने ओ नाम दे रखा। कह रहा है प्रकाशिक केंद्र ओ और एफ के बीच रखी है, यानी दर्पण लेंस के बहुत नजदीक रखी है। तो इसका मतलब मैं इस वस्तु को यहां रख दू, है ना, मैं इस वस्तु को इन दोनों के बीच रख देता हूँ। वस्तु का नाम रखना चाहो तो आप ये भी रख सकते हो। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, वस्तु ये देखिए, ये बिंदु से कोई प्रकाश की किरण चलेगी। अब देखिए प्रकाश की किरण जब इससे चलती है, तो ये क्या करेगी, इसको काटती इधर से निकल जाएगी। ठीक है, तो इससे कोई वस्तु चलेगी, ये बिंदु से यहीं से गुजरी थी कल। परंतु हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है कि ये प्रकाश की किरण यहाँ से F1 के पीछे यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है। कहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है? हमें इससे आंख नेत्र से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये वस्तु दर्पण के पीछे, जिधर से बिंब रखा हुआ था, बिंब के पीछे जहां वस्तु रखी हुई थी, वस्तु के पीछे, देखिए इधर से वस्तु रखी हुई, यहाँ पर वस्तु को हमने प्रकाशिक केंद्र O और F के बीच रखी हुई है, और इधर को ही बिंब की तरफ जहां बिंब रखा हुआ है, वस्तु रखी, उसके पीछे बनता है। अब पीछे बनेगा तो वास्तविक तो होगा नहीं, क्यों? वास्तव में जब प्रकाश मिल नहीं देता, हमें तो केवल आभास हो रहा है, आभास हो रहा है तो आभास ही होगा। तो इस कारण से, और हमने सारी जो पांच स्थितियां पढ़ी थी, उन पांच स्थितियों में हमने देखा था कि सारे जो प्रतिबिंब थे वास्तविक रूप से,
अब चूंकि ये प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती, केवल मिलती हुई प्रतीत होती है, हमें केवल इनका आभास होता है क्योंकि दर्पण के पीछे मिलते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तुम्हें देखिए, दर्पण में भी हमने देखा था कि जब वस्तु लेंस या दर्पण के अत्याधिक नजदीक रखी हो, जैसे मैं इसको वस्तु यहाँ रखूं दर्पण को, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। अत्याधिक नजदीक होने के कारण भी हमें इसका प्रतिबिंब पीछे बनता हुआ प्रतीत होता है, आभास होता है। इस कारण से इससे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। जब आभासी तो सीधा होगा। तो अब इस कारण से, क्योंकि इससे बनने वाले प्रतिबिंब कैसे थे? वास्तविक और उल्टे थे, लेकिन इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी और सीधा बन रहा है। तो इस कारण से मैं इस स्थिति को अपवाद की स्थिति कह रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल सॉरी उत्तल उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे होते हैं, लेकिन इसमें ये स्थिति तो ऐसी है जो आभासी और सीधा बना रहा है, इस कारण से इसको अपवाद की स्थिति कहा जा रहा है। ठीक है, तो अब तुम देखिए, तो प्रतिबिंब कहां बनता है? बिंब की ओर, बिंब की ओर। बिंब का मतलब वस्तु की ओर, जिधर वस्तु इधर ही रखी वस्तु बाई हाथ की तरफ। आभास हो रहा है तो कैसा होगा? आभासी। और लाजमी के आभासी तो कैसा होगा? सीधा भी होगा। ठीक है, लेकिन आप वस्तु से छोटा होगा या वस्तु से बड़ा होगा या वस्तु के बराबर होगा? तुम देख रहे हो वस्तु कहां रखी हुई है? लेंस के अत्याधिक नजदीक रखी है, लेकिन उससे दूरी पे बन रहा है। दूरी पे बन रहा है तो बड़ा होगा ना, क्योंकि इधर भी इससे कोई मतलब नहीं कि इधर बनेगा तभी बड़ा होगा। अगर प्रतिबिंब लेंस या दर्पण से दूरी पर बनता है, किसकी अपेक्षा? जहां बिंब रखा हुआ है बिंब की अपेक्षा दूरी पे बनता है, तो प्रतिबिंब हमेशा बड़ा होगा। तो इस कारण से बिंब की ओर बनता है, आभासी होता है, सीधा होता है, सदैव बड़ा होता है। तो इस कारण से आप समझ गए होंगे ये छठ स्थिति की, कब? जब वस्तु प्रकाशित केंद्र और तथा एफ के बीच रखी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों ये उत्तल लेंस से प्रतिबिंबों का बनना समाप्त। ठीक है, अब पढ़ेंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंबों का बनना। ठीक है, आपको अगर उतारना है तो वीडियो स्किप करके उतार सकते हो। ठीक है, अगला है अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनाना। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में चारों स्थितियों को लिखवा दिया था कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो अब आपको ये तो बिल्कुल दिमाग में आ गया होगा कि क्योंकि हम अवतल लेंस से प्रतिबिंबों का बनना पड़ रहा है, तो इससे बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं? आभासी और सीधे। कल लिखवाया था मैंने कल की वीडियो में, वीडियो नंबर 11 में। तो अब देखिए, अब जैसे हमने देखिए, मैं आपको एक बार और बता रहा हूं और पहले बता चुका हूं कि लेंस हो या दर्पण, हमने देखा था कि लेंस उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, उस पर आधारित कुछ परिभाषाएं, उससे प्रतिबिंबों का बनना, ऐसे दर्पण से पढ़ा था, उत्तल से भी पढ़ा था, अवतल से भी पढ़ा, ऐसे ही हम लेंस से उत्तल से तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हम लोग अवतल से। ऐसे जिस तरह से अवतल उत्तल दर्पण से दो स्थितियां हमारे सिलेबस में, ऐसे ही अवतल लेंस से दो स्थितियां, उन दोनों स्थितियों को हम पढ़ते हैं। देखिए कैसे, पहली स्थिति है, केवल दो ही स्थितियां हैं इसमें हमारे सिलेबस में, किससे? अवतल लेंस से। ऐसे ही उत्तल दर्पण से भी दो स्थितियां थी। तो देखिए, पहला है जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ठीक है, कहां रखी है जब वस्तु? अनंत। क्या करोगे? किससे पढ़ रहे हैं हम लोग? अवतल लेंस। जब अवतल लेंस से पढ़ रहे हैं तो किसका चित्र बनाना पड़ेगा? अवतल लेंस का बनाते हैं, अवतल लेंस का चित्र। ठीक है, अवतल लेंस हो गया। फिर इसमें क्या करते हैं? देखिए आप जिस तरह से इसमें नाम लिखे थे MNO, ऐसे कर सकते हो। ये कौन सा प्रकाशित केंद्र? ना लिखाओ या कोई नहीं बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर क्या करते हैं? मुख्य अक्ष क्या?
मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये आपको माप के बनाना है, मैं तो अंदाजे से बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई छोटा पैमाना नहीं है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इधर एक्स चिन्हित करेंगे, इधर भी एक्स चिन्हित करेंगे। ठीक है, अब 2x कर लेना, इधर 2x, इधर भी 2x। इसको अगर वही बात अगर इस तरह करना चाहते तो कर लो, नहीं तो इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे कल कह रहा था ना, f1 f2 f1 f2 f2, कहाँ रखी है वस्तु? कह रहा है जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत का कोई अंत तो होता नहीं, मैंने अनंत को यहां माना है। ठीक है, अब देखिए मैं वहां बता चुका हूँ आपको, दर्पण में मैंने बताया था कि आप तो दो किरण से समझ लो या अनेक किरणों से समझ लो, दो किरण से इनफ है, पर्याप्त है। देखो कैसे, देखिए इस बात को हम पढ़ चुके हैं कि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें पहली बात तो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, दो किरण से मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए कल एक बात और हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने कल? ये पढ़ा था कि इस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस इसको हमने क्यों कहा था? क्योंकि ये लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देता है, फैला देता है। तो लाजमी क्या हो करेगा ना, इसको फिर इधर फेंक देगा और इसको इधर। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि नेत्र से देखने पर हमें ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा आभास होगा कि ये प्रकाश की किरण किधर, बिंब की ओर, जिधर वस्तु रखी हुई, जिधर से वस्तु प्रकाश की किरण आ रही है, पर उधर की तरफ, किस पर? एफ पर मिलती है प्रतीत होती, फोकस पर मिलती है प्रतीत। आप चाहो तो यहां से मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जरूरी यहां से मिलाओ, यहां से आप उसको मिला। लेकिन हमें कैसा आभास होता है जब, देखिए आपको लिखना है, दोबारा समझ लीजिए, हम पढ़ रहे हैं जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो, किससे पढ़ रहे हैं आप कल? तो आपको लिखना है जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें पहली बात तो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं और अवतल लेंस पर आपतित होने के पश्चात फैल जाती हैं, अपसरित हो जाती हैं, परंतु नेत्र से देखने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रकाश किरणें बिंब की ओर, जिधर से प्रकाश की किरणें आ रही है उधर एफ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। अब मिलती हुई प्रतीत हो रही है किस पर? एफ पर। तो पहली बात तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? एफ पर बनता है। लेकिन आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, तो कैसा होगा? आभासी होगा। आभासी होगा तो लाजमी कैसा भी होगा? सीधा होगा। लेकिन अब वस्तु से छोटा होगा या वस्तु से बड़ा होगा या वस्तु के बराबर होगा, ये बात आप अंदाजा लगा सकते हो। प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही है? अनंत से, बहुत दूर से। लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? लेंस के अत्यधिक नजदीक, नजदीक बन रहा है, तो कैसा होगा? बिंदुवत आकार में होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है उस बात को, मैं बता चुका हूँ, जब चाहे दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, कोई भी लेंस हो, जब जब वस्तु अनंत पर रखी हुई होगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ पर बनता है, फोकस पर बनता है, जो सदैव ऐसा है। तो अब तुम देख लो कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है? एफ पर बनता है। लेकिन किससे पढ़ रहे हैं? अवतल लेंस से। और अवतल लेंस की इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बात यह है कि वो हमें मिलता मिलती हुई आभास होता है, उनका मिलती हुई प्रतीत होती है। जब हमें आभास होता है तो लाजमी है कि प्रतिबिंब आभासी होगा, आभासी तो सीधा होगा। स्थिति के आधार पर हमने निर्धारण कर लेते हैं कि प्रतिबिंब छोटा होगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब एफ पर बनता है, जो सदैव आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। ठीक है, अब एक दूसरी स्थिति और है, उसको समझ लेते हैं। देखो कह रहा है जब वस्तु अनंत तथा प्रकाश केंद्र ओ के बीच रखने, अब क्या कह रहे हैं हमसे? कह रहा है जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र, देखिए मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और आपको हमेशा बड़ी ही मुख्य अक्ष खींचना है, क्योंकि बड़ी मुख्य अक्ष से हमें फिर दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहाँ रखी वस्तु? कह रहे अनंत, अनंत को बहुत पीछे, यानी ट्यूब से भी परे होता है, पीछे होता है, और प्रकाशिक केंद्र को आप जानते हो, ये ओ यहाँ पर होता ही,
इन दोनों के बीच, यहां मैं चिन्हित कर लेता हूं एफ, यहां मैं चिन्हित कर लेता हूं टू एफ। क्या कह रहा है? जब वस्तु अनंत, अनंत का मतलब यहां टू एफ से पीछे, और प्रकाशिक के अंदर, इन दोनों के बीच रखी हुई। अब वस्तु को आप कहीं भी रख दो जहां आपका मन, क्योंकि हमें छूट दे रखी है इसमें। क्या कह रहा है? कि जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक के अंदर, ओ, इन दोनों के बीच कहीं भी रख दो आप वस्तु को, बताओ तो प्रतिबिंब क्या। तो अब कहीं भी आप वस्तु को रख लो, मैं वस्तु को एफ और टू एफ के बीच रखूंगा, वस्तु का नाम ए। तो देखिए वस्तु ए बी के ए बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण इधर जाएगी, और इधर जाने के बाद क्या होगी? अपसरित होगी। ठीक है, फिर क्या होगा? अब देखिए आप देख रहे हो इधर से, जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात कैसी हो रही है? देखिए इसका कारण क्या है? देखिए प्रकाश की किरण को इधर नीचे की तरफ आना चाहिए, मुख्य अक्ष की तरफ आना चाहिए, परंतु होता क्या है कि अवतल दर्पण की स्थिति ऐसी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह लेंस जो है ना बीच में से पतला होता है और किनारों से मोटा होता है। जब बीच में से पतला है और किनारों से मोटा है, तो इसकी विचित्र स्थिति के कारण ये प्रकाश की किरण जो है ना इस मुख्य अक्ष को नीचे आता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कैसी हो जाएगी? फैल जाएगी। तो इस अवतल लेंस की स्थिति इस तरह से है, डंबल के आकार की स्थिति है इसकी, और आप उसको कहो तो डमरू के आकार की स्थिति कह सकते हो। इस स्थिति के कारण ये प्रकाश किरण इधर ना जाकर के, देखिए इधर जाना चाहिए था, इधर ना जाकर के ऐसे हो गए, समझ रहे हो? अब इसी प्रकार इससे कोई दूसरी प्रकाश की किरण चली, जिस तरह से गुजरेगी, ठीक है, परंतु होगा क्या कि ये प्रकाश की किरण जब इधर से देखने पर हमें ऐसा प्रतीत होगा कि इसको कहां काटेगी? यहां काटेगी, यहां से मैं देख रहा हूं, यहां पर मैं इसको और बढ़ा देता हूं डॉट डॉट करके। काल्पनिक रेखा है तो कहां काट रही दोनों? एक प्रकाश की किरण है, प्रकाश केंद्र ओ और एफ के बीच में काट रही, प्रकाश केंद्र ओ और एफ के बीच में काट रही, तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो अब तुम्हें पता लग गया कि जब वस्तु अनंत और प्रकाश केंद्र ओ के बीच में रखी हुई हो, तो प्रतिबिंब एफ गिरा एफ और प्रकाश केंद्र ओ के बीच बनती है। कहां बनता है? प्रकाश एफ मुख्य प्रकाश केंद्र ओ के बीच बनता है। तो सदैव कैसा कैसा होगा, क्योंकि आभास हो रहा है, ये काल्पनिक रेखा खींची जा रही है, तो काल्पनिक होगा, काल्पनिक को हम आभासी भी कहते हैं, आभासी होगा तो लाजमी सीधा भी होगा। अब तीसरी, तीसरा चौथा, ये जो प्रतिबिंब मैं वस्तु से छोटा होगा कि बड़ा? तुम देख रहे हो कि वस्तु तो बहुत दूर रखी हुई है, किससे? प्रतिबिंब के पेक्षा, यानी वस्तु जो है वो तो रखी हुई है एफ और टू एफ के बीच, और प्रतिबिंब एफ और ओ के बीच बन रहा है, पहले बन रहा है, किसका हम कैसा होगा? छोटा। ठीक है, तो अब दो स्थितियां जो अवतल लेंस थी वो मैंने दोनों स्थितियों का आपको बता दिया है। दो स्थितियों जो मैंने थी, एक तो अनंत पर वस्तु रखी हुई हो और एक अनंत तथा प्रकाशित केंद्र के बीच में, तो प्रतिबिंब कैसा कैसा बनता है आप समझ लो। ठीक है, बता दूं आपको, तो ये उत्तल लेंसों की परिभाषा, लेंस के प्रकार, लेंसों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा, लेंसों से प्रतिबिंब का बनना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे लेंस सूत्र। और उसकी आवर्धन क्षमता, देखिए लेंस सूत्र क्या है, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि हमने दर्पण सूत्र पढ़ा था, और दर्पण सूत्र में हमने देखा था कि तीन राशियां U जो क्या थी, ध्रुव से बिंब की दूरी थी, F सॉरी V जो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी थी, F जो फोकस की दूरी थी। अगर मैं इन तीनों राशियों को एक समीकरण के रूप में संबद्ध कर दूं, संबद्ध कर दूं मतलब जोड़ दूं, तो फिर सम्मिलित रूप से दर्पण सूत्र कहलाता। कंडीशन यहां पे यही है कि अगर मैं क्या काम करूं, प्रकाशित केंद्र, देखिए अब मैं इस बात को आपको बता चुका हूं कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर हम दर्पण की चिन्ह परिपाटी पढ़ते हैं तो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, अगर चिन्ह परिपाटी अगर हम किससे पढ़ते हैं, लेंस से पढ़ते हैं, तो सभी दूरियां प्रकाशित केंद्र ओ से मापी जाती हैं। तो इस कारण से अब मैं ध्रुव से नहीं कहूंगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, लेंस से। लेंस की चिन्ह परिपाटी के नियम क्या कहते हैं,
कहते हैं कि सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र को से नापी जाएंगी। तो इसका मतलब जो यू है जिसको हम बिंब कह रहे हैं वो प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी है, यू प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी भी कहलाएगी और प्रकाशिक केंद्र से जो फोकस दूरी है वो एफ कहलाएगी। अगर मैं इन तीनों राशियों को समीकरण के रूप में जोड़ दूं तो वो सम्मिलित रूप से फिर लहर का सूत्र कहलाएगा। देखिए कैसे, आपको लिखना है प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी u, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी v, प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी f। ये तीन राशियां हैं, अगर मैं इन तीनों राशियों को एक समीकरण के रूप में जोड़ दूं तो लिखना है, यहां पर आपको लिख देना है, यदि इन तीनों राशियों को एक समीकरण के रूप में जोड़ दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, लेंथ सूत्र कहलाता है। ठीक है, कैसे, एक बटे वी माइनस एक बटे यू, तुम कहोगे सर ये माइनस का चिन्ह कहां से आ गया, इस माइनस के चिन्ह का तो कोई मतलब नहीं बनता। देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि जब प्रतिबिंब कैसा हो, आभासी हो, यानी किसी बिंब का प्रतिबिंब यदि आभासी बनता है तो किसका चिन्ह लिया जाता है, यदि बिंब जिसको हम वस्तु भी कहते हैं उसका प्रतिबिंब कैसा हो, उल्टा हो, उल्टा होगा तो फिर कैसा होगा, वास्तविक ही होगा। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए तो कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, आभासी और सीधे के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। देखिए इसको मैं आपको बताऊंगा चिन्ह परिपाटी में कि माइनस का चिन्ह क्यों आया, देखिए एक बार समझ लेते हैं। मैंने देखिए चाहो तो आप इसको इस तरह भी लिखे, इस तरह भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, एक बटे एफ इक्वल टू होता है एक बटे वी माइनस एक बटे वी, इसको ऐसे कैसे लिख दो पक्षांतरण करके, कोई बात। तो ये क्या है, लेंथ सूत्र। आप कहोगे सर ये माइनस का चिन्ह क्यों है, तो एक बार अगर मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहे तो आपको याद रखना है दर्पण के सूत्र में सूत्र तो धनात्मक उसकी आवर्धन क्षमता ऋणात्मक, लेंस का सूत्र ऋणात्मक और उसकी आवर्धन क्षमता धनात्मक होती है, ये बात मैं बता चुका हूँ। अब इसको आया इसको एक बार स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए मैं बस पढ़ाऊंगा चिन्ह परिपाटी, लेकिन इसमें थोड़ा सा तुम्हें समझा दूं कि ऋण का चिन्ह क्यों आया। देखिए आपको याद रखना है ये लेंस से चिन्ह परिपाटी है, दिख रहा है ना इसमें लेंस से क्या है, ये चिन्ह परिपाटी है। हमने पढ़ा था कि लेंस में सभी दूरियां किससे मापी जाएंगी, प्रकाशीय केंद्र ओ से। अब ये क्या है, ये तो हमने पढ़ा था एक्स तक, ये इस तरह से तुम्हें याद है ना, इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था है ना, एक्स डैश वाई डैश जैसे हम गणित में ग्राफ बनाते हैं वही तो है। अब देखिए सभी पहला तो नियम इसका ये था कि सभी दूरियां किससे मापी जाएंगी, प्रकाशिक केंद्र ओ से, और बिंब को, बिंब का मतलब वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, यानी एक्स अक्ष के अनुदिश लेकिन किधर, बाईं तरफ, सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती है, एक्स अक्ष के अनुदिश लेकिन किधर, दाईं तरफ, सभी दूरियां धनात्मक ली जाती है, वाई अक्ष के अनुदिश ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ सभी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं, और वाई अक्ष के अनुदिश क्षितिज सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। ये हमने चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी। तो तुम कहोगे साहब इसमें माइनस का, मैं वही चीज बताऊं आपको, देखिए बिंब वस्तु को कहां रखेंगे हम, बाई तरफ यहां, लेकिन अब वस्तु को जब बाई तरफ रखें तो हमने कैसा रखा है वस्तु को, ऊर्ध्वाधर रखा है ना ऊपर की तरफ, ये तीर का चिन्ह क्या कह रहा है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, और ऊर्ध्वाधर बनने वाले प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब इस बिंब का प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो ऋणात्मक होगा। तो आप देखेंगे जब हम ऊपर की तरफ हमारा बिंब बनेगा, मैं वस्तु को यहां रख रहा हूं, और वस्तु को जब मैं यहां रखूंगा तो बाएं हाथ की तरफ रख जाती हैं सभी वस्तुएं, जब मैं इसको बाएं हाथ की तरफ रखूंगा तो ऊर्ध्वाधर है ये लंबवत है किसके, भाई ये जो मुख्य अक्ष है ना, ये वाली मुख्य अक्ष, इसके लंबवत है कि नहीं, लंबवत है तो फिर इसका प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनेगा कि नहीं बनेगा, इसकी परछाई नीचे बनेगी, और नीचे बनेगा तो कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, उल्टा होगा तो फिर ऋणात्मक होगा कि नहीं होगा, इस कारण से ऋण का चिन्ह आया। तो आप समझ गए होंगे कि लेंस सूत्र में ऋण का चिन्ह क्यों आया, क्योंकि हमने देखा है कि लेंस में हम बिंब को ऊर्ध्वाधर रखते हैं ऊपर की तरफ रखते हैं, किसके, मुख्य अक्ष के लंबवत रखते हैं,
जब मुख्य अक्ष के लंबवत रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनता है। जो कैसा होता है, जब नीचे की तरफ बनेगा तो वास्तु को उल्टा होगा कि नहीं हुआ, वास्तु को उल्टा होगा तो फिर धनात्मक आएगा कि नहीं आएगा, इस कारण से ऋण का चिन्ह। तो आप समझ गए होंगे कि लेंस सूत्र में ऋण का चिन्ह क्यों आया। ठीक है,